हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, द जेसी राइडर व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और कुछ समय के लिए हम मुंबई गए थे, इसीलिए वीडियोस थोड़े बंद हो गए थे, पर हम फिर से आ गए हैं। और ये है मेरी ई मोटरेड 1X। आज का वीडियो दोस्तों बहुत खास है, क्योंकि आज के वीडियो में मेरे साइकिल को ऑलमोस्ट क्या है, एक साल के ऊपर हो गया है अभी। यस, एक दो दिन ज़्यादा ही हो गया होगा, पर ऊपर हो गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ई मोटरेड 1X जो मैंने रिसेंटली एक साल पहले ली थी, रिसेंटली बोलने का और कोई मतलब नहीं अभी। अब मैं उसकी खास बात बताऊंगा और कैसी एक साल में क्या क्या परफॉर्मेंस दिया है उसने, क्या क्या चीज़ें इसकी अच्छी बात है, क्या चीज़ें बुरी बात है, कैसे हम इसको मतलब लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे। यस, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने इस साइकिल को 25,000 में लिया था। यस, 25,000 में मैंने लिया था। पर इस साइकिल के ऊपर इस वक्त जितने भी सामान वगैरह एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं कुल मिला के आपको ये बोल सकता हूँ कि अब ये साइकिल 25,000 की नहीं है, अब ये साइकिल 30,000 की हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों ये मैंने थैले लगाए हैं, और ये दो थैले लगाए हैं, ये टॉर्च लगाया है, ये लगाया है, बेल लगाया है, ये सीट लगाई है, जो आपको ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज कैसी है, क्या ये साइकिल वर्थ है 25,000 की। तो दोस्तों मैं बोल सकता हूँ कि बिल्कुल वर्थ है। यस, और ये अपना घर बिल्कुल वर्थ है। यस, अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हो, या तो आप 25 या 20 किलोमीटर के बीच में आपका रोज़ ट्रैवलिंग है, तो कहीं ना कहीं आप इस साइकिल को ले सकते हो और आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। वैसे तो कंपनी वाले बोलते हैं कि ये 30 और 35 के बीच में रेंज देती है विथ मोटर, पर दोस्तों क्योंकि यहाँ पे इसमें स्पीडोमीटर नहीं आता, और अगर आपका वज़न 60 या 50 के बीच में है तो शायद से ये रेंज मिल सकता है, पर अगर आपका वेट 70 के ऊपर है या तो 70 के लगभग है, तो मुझे लगता है कि 30 के ऊपर रेंज नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि वज़न के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है, प्लस आप किस तरीके की रोड पे आप चला रहे हो। यस, अगर आप ऑफ राइडिंग वगैरह टाइप की रोड पे कर रहे हो तो दोस्तों रेंज आपकी कम हो जाएगी, और चढ़ान वगैरह है तो डेफिनेटली वहाँ पे भी रेंज कम हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान में मेरे इधर तो रोड फ़िलहाल ठीक है, पर दोस्तों कहीं ना कहीं ये आपको देखनी पड़ेगी कि रोड पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और दोस्तों ज़्यादा जहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, नाली वगैरह है, वहाँ से आपको बचकर रहना है अपनी साइकिल को, क्योंकि दोस्तों ये है भले ही माउंटेन साइकिल, पर मैं ये बोलूँगा कि आपको अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल को बहुत ही अच्छे से यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि रफ़ आप यूज़ करोगे, तो दोस्तों रफ़ यूज़ करोगे तो बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें आती है। इसके ब्रेक्स वगैरह भी मैंने एक बार चेंज कर चुका हूँ, स्पोक्स वगैरह भी ढीले हो जाते बीच बीच में, तो स्पोक्स वगैरह मैंने टाइट बीच बीच में करना पड़ता है। और यस से, और बीच बीच में मैंने देखा है कि मोटर में कड़कड़ 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 आवाज़ आने लगती है, पर मैंने देखा है कि मैंने WD-40 वगैरह सबसे मेंटेन करके रखा है, चेन वगैरह अच्छे से सब मेंटेन करके रखी है, तो वो चीज़ें अब धीरे धीरे कम हो गई है। पर बीच बीच में कोई भी सीज़न के हिसाब से, गर्मियों के सीज़न में आ जाती है, बारिश के सीज़न में बिल्कुल चली गई थी, तो ये मुझे कभी कभी समझ में नहीं आया कि क्या पंगा है। WD-40 वगैरह आप यूज़ करते रहो, आप अपनी साइड जो चेन है, अभी तो मैं राजस्थान मुंबई गया था इसकी वजह से आप मैंने साफ़ सफाई की नहीं है फिर से, पर आप यूज़ करते रहो, आपकी साइकिल एकदम चकाचक रहेगी और आप अपनी साइकिल को बहुत ही इंजॉय कर पाओगे। बैटरी वगैरह दोस्तों ये ऑलमोस्ट 3 घंटे में चार्ज हो जाती है, इससे पहले भी चार्ज हो जाती है अगर आपकी कम्प्लीटली डिस्चार्ज नहीं हुई है बैटरी। अगर कम्प्लीटली डिस्चार्ज हुई है तो मे बी 3 घंटा लग जाएगा आपको पूरा।
पर मैं क्या करता हूँ कि पूरा बैटरी एकदम डिस्चार्ज होने की नौबत नहीं आने देता हूँ। दोस्तों अगर पूरा बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी ना तो आपको बैटरी थोड़ा सा उठने में टाइम लगता है, ये मैंने नोटिस किया है। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि एकदम डिस्चार्ज ना होने दे, उससे पहले आप चार्ज कर ले। यस, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो इसके साथ में। ये मैंने टॉर्च लगाया है, ये वैसे अमेज़ॉन वगैरह पे मिल जाती है टॉर्च, आप कोई भी लगा सकते हो। चाहो तो ई मोटरहेड का जो खुद का एक्सेसरीज है हॉर्न और टॉर्च, वो भी आप ले सकते हो। तो आपको एक चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा कि आप बैटरी से ही टॉर्च और हॉर्न को कंट्रोल कर पाओगे। इसको अलग से यूएसबी से चार्ज करना पड़ता है। और ये एक मैनुअल घंटी, इसमें भी घंटी थी पर दोस्तों वो इतनी ज़्यादा साउंड नहीं करती थी, इससे सोचा कि मैंने ये ही रखूँ ताकि इसमें कुछ चार्जिंग वाला कोई पंगा ना आए। यस, ये दो थैले दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बाहर जाते हो कुछ भी आप सामान लाते हो तो दोस्तों आपको 5 किलो 5 किलो इधर, तो ये आपको आराम से कहीं ना कहीं बहुत ही कंफर्टेबली आप कुछ भी सामान लेकर आ सकते हो। आपको टेंशन नहीं है कि आपको यहाँ पे लटका के लाना है या तो पीछे, क्योंकि कैरियर इसके साथ में मिलता नहीं है दोस्तों। ये भी कैरियर मैंने अलग से ही लगाया है 1000 रुपीज़ का। ई मोटरहेड 1X वाले अभी अलग से कैरियर दे रहे हैं, अगर आप उनकी सर्विस सेंटर से डायरेक्टली लेते हो या तो स्टोर से लेते हो तो आपको एक अच्छा कैरियर मिल सकता है। क्योंकि ये वाला कैरियर दोस्तों ऐसा है कि ये कैरियर इधर कनेक्ट होता है, पर अगर यहाँ पे जो ई मोटरहेड वाला है वो यहाँ से इधर हो जाएगा तो ये जो स्पेस है ना वो बच जाएगी। तो इसमें आप और अपनी सीट को चाहो तो नीचे ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। 1 साल हो चुका दोस्तों, इसमें कोई भी खास दिक्कत नहीं आई है। ब्रेक्स वगैरह सिर्फ मैंने एक बार ब्रेक्स चेंज करवाए हैं, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं आई है। और अभी तक साइकिल स्मूथ चल रही है और साइकिल को बहुत ही लोग पसंद करते हैं, पूछते हैं कि आपने कहाँ से ली, और कहीं ना कहीं आपका साइकिल आपकी एक पहचान बन जाएगी अगर जहाँ पे भी आप इलेक्ट्रिक साइकिल लेते हो। क्योंकि इलेक्ट्रिक साइकिल अभी भी दोस्तों इंडिया में इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, तो इसीलिए आप लेते हो, आप चाहो तो आप अगर ऑफिस वगैरह के लिए लेना है, आपको स्कूल कॉलेज वगैरह के लिए लेना है तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। एक इंसान के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपको किसी को सोच रहे हो कि किसी को डबल सीट लेकर आना है तो छोटा बच्चा है तो ठीक है, पर बड़े के हिसाब से सही नहीं है। तो अगर आपको खुद के लिए चाहिए तो डेफिनेटली आप साइकिल ले सकते हो, या तो एक मतलब एक खुद का पैशन भी है साइकिलिंग से रिलेटेड तो वो भी आप कर सकते हो। ओल्ड एज पब्लिक है जहाँ पे उनको लगता है कि थोड़ा बहुत अभी साइकिलिंग नहीं कर पाते और कहीं पे दुकान वगैरह जाना है, उनके लिए भी सही है। और क्लासेस जाना है, ट्यूशन जाना है, वो बच्चे जो ऑलमोस्ट थोड़े बड़े भी हो चुके हैं पर इतने बड़े भी नहीं हुए कि 18 साल के ऊपर या तो बाइक चलाने या स्कूटी चलाने, उनको आप ये साइकिल दे सकते हो। ये साइकिल, ये इलेक्ट्रिक साइकिल कोई भी आप देख सकते हो। अब मुझे तो ऑब्वियसली ये साइकिल का एक्सपीरियंस है और दूसरी साइकिल ऑब्वियसली अच्छी होती होगी, पर इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। 1 साल हो चुका है और जिसको भी लेना है कुछ भी चीज़ें, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दूंगा, आप जाके चेकआउट करो। और अभी तक दोस्तों बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। एक चीज़ है कि ये जो मड़गाड़ है वो भी मैंने खुद से लगाया है। कंपनी वाले अगर वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों ये चीज़ें अगर आपको दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी, और ये कैरियर भी अगर आप लगा के दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी विदाउट एक्स्ट्रा चार्जेस। यस, वरना चार्ज लगा के तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यस, अगर स्पीडोमीटर भी दे सकते हो 25,000 के अंदर तो वो भी बहुत अच्छा होगा, तो इससे आपकी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। यस, तो दोस्तों ये था कंप्लीट रिव्यू आफ्टर 1 ईयर ऑफ माय इलेक्ट्रिक साइकिल ई मोटरहेड 1X। आपको पसंद आया है तो दोस्तों इसको लाइक करो, द जेसी राइडर चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ भी डाउट है आपका साइकिलिंग से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में डालो,
और मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैव ए नाइस डे।